सो लास्ट का एपिसोड तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने मेमो फॉर्म वगैरह बनाया था, उससे पहले मैंने एक एक्टर्स फॉर्म बनाया, उससे भी पहले उसके मिडिल में मैंने क्या बोलते हैं वो जो दूसरे जगह जाने वाला वो जो पोर्टल है वो भी बनाया। तो जो भी हो, आज जो मैं कहने वाली हूँ ना, मैं पहली बात तो बहुत सारा सीज ढूंढूंगी, विलेजर्स ढूंढूंगी, विलेजर्स को कौन से तरीके से हम लोग लेके आ सकते हैं, क्योंकि विलेज मेरे इधर से काफ़ी दूर है, तो कैसे लेके आ सकते हैं, तो सारी चीज़ें करेंगे। और लास्टली कैसे ऑटोमेटिक एक विलेज फार्म को भी हम बना सकते हैं, उस सारे का ट्रायल वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो बिना देर के ना आज पहले गेम पे चलते हैं। उससे पहले हो लेटियस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ माइनक्राफ्ट। तो मैं आज जो पहले करती हूँ ना, पहले आ जाती हूँ इधर पे, मेरे को चाहिए था काफ़ी सारा लकड़ी, तो लकड़ी वकड़ी पहले जुगाड़ कर लेती। और आप लोगों को पता है मेरे फार्म से मेरा जो बिल्डिंग है उससे थोड़ा सा ही दूर में ये जो स्पार्स ब्लॉक वगैरह वगैरह का जगह है, तो मैं बराबर से आ जाती हूँ इधर से वुड वगैरह कलेक्ट करने। और आज मुझे बनाना है इस चीज़ से ना स्पार्स वुड को बनाना है, क्योंकि इधर पर स्पार्स वुड पहली बात मिलते नहीं, और ये जो अपना जो नॉर्मल ब्लॉक है ना उससे हम लोग बना सकते हैं स्पार्स वुड ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि मेरे को आज बनाना है फार्म, और फार्म के चारों ओर को डेकोरेशन भी हो जाएगा, और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे से मतलब स्ट्रॉन्ग एक मटेरियल भी हो जाएगी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लुक ही होगी एक्चुअली में। तो मैं इधर पे आ जाती हूँ, और इधर पे मुझे ना देखो पम्पकिन का इधर पे मेरे को थोड़ा सा दो दो इधर पे फ्रूट भी मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। और इधर पे मेरे को ना एक्जैक्टली नहीं पता कि सीड्स कहाँ से मिल सकती है, ठीक है ना। मेरे को थोड़ा सा पता ना कि सीड्स मैं कहाँ कहाँ से पा सकती हूँ। और इधर पे मैं बनाने वाली हूँ इधर से बहुत बड़ा, मतलब इधर पे देखो पहली बात तो इतना तक मेरा जगह है, ज़मीन है, तो इसको और भी सामने तक हम लोग खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जगह को बनाना है ना। तो मैंने आज बुला लिया है बनी को, तो बनी मुझे इधर पे मदद करने वाला है। पहली बात तो ये है कि वो पूरे जगह को इधर पे पूरा बढ़ा मतलब बढ़ा देगा, अभी भी बढ़ा नहीं वो बढ़ा रहा है, तो उसको उस काम के लिए रख तो देते। बट उधर से मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती हूँ, बहुत ही बुरी तरीके से मुँह के बल गिरती हूँ। फिर मैं अपना चीज़ों को लेके मैं बस ऊपर जा ही रही थी, और उसने बोला कि इधर से ही आ जाओ, इधर से एक रास्ता वास्ता बनाए थे मतलब बनाया है उसने, तो मेरे को वो लेने के लिए तो आ चुका है, अभी चलो उसके पीछे ही चलते हैं। आई होप कि वो मेरे साथ कोई स्कैम ना करे, क्योंकि मैं उसको एकदम ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो अभी रुको एक सेकंड, इसके पीछे तो मैं तो आ चुकी हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं ओके कहाँ से लेके जा रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ स्कैम करने वाला है, मेरे को एकदम ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर, बहुत बार मारा है मेरे को, इधर से अभी गिराया भी उसने ही था। जो भी हो, तो अभी देखो इधर तक तो आ चुकी हूँ, अभी आई होप मैं एकदम मतलब उसके पीछे नहीं जाने वाली, उसको पहले जाने देते, ओके चला गया, अभी मैं जा सकती हूँ। एकदम ट्रस्ट नहीं आता है यार इसके ऊपर, कब क्या करते हैं उसके ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तो चलो अभी बस यही गया, बट इधर पे रुको एक सेकंड, इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ, समझ रहे हो ना। एक सेकंड यार, इसको तोड़ दिया, चलो लग ही रहा था मेरे साथ ये यार मजाक, शिट हाय क्यों कर रहा है, हेलो शिट यार, अरे यार ये मत कर, छोड़ दिया चल, अरे नहीं 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 यही कर लो पहले, तुम यही कर लो, हम इधर ही खड़े रहेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, चलो यार गया होगा, अरे कैसे देख रहा यार मत करो यार, अरे यार चलो गया, अभी गया। तो इसको पहले मैं चढ़ तो जाती हूँ, फिर इसको बताती हूँ किधर गया यार। अच्छा चलो यार इस बार के लिए छोड़ देते, क्योंकि मेरे ना आज बहुत सारा काम है। पहली बात तो इस जगह को अकेला करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत बड़ा बनाना है, तो इस बार के लिए मैं उसे छोड़ रही हूँ। उसे लग रहा होगा कि मैंने भूल गई हूँ, बट मैं नहीं भूलने वाली हूँ, पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर ही जाके इसको हम दिखाने वाले हैं। तो अभी देखो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता था ये गिरेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा चुलबुल करता रहता है ना। तो चलो अभी इसको तो अपना काम करने देते हैं। और अभी इधर पे मेरे को चाहिए 9 ब्लॉक्स, ठीक है, तो इधर पे भी 9 ब्लॉक्स चाहिए, और इस साइड पे भी 9 ब्लॉक्स चाहिए। एक एक फार्म को मैं 9x9 में ही करने वाली हूँ, उससे बड़ा या फिर छोटा नहीं करने वाली हूँ, मतलब मेरे को आता नहीं है, पहली बात तो ये है। और इस गेम पे मैं पहली बार के लिए फार्म बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फूड का बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, और मुझे सच बताएं तो ज़ॉम्बीज को लेके खेलना ही ज़्यादा पसंद है, तो फूड वगैरह फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर जाके बहुत दिक्कतें होती है। तो अभी मैंने सोचा कि अभी फार्म वगैरह बना लेते, बहुत दिन भी हो गया है। तो अभी देखो इधर पे ये जगह को देख ही पा रहे हो, मेरा घर कितना था आप लोगों को याद होगा। और इधर पे देखो फूड्स का बहुत दिक्कतें हो रही है, तो मैंने सोचा कि इन लोगों को मारते हैं, इधर पे बहुत सारे घाव वगैरह मिल रहा है, तो इससे मिर्च वगैरह उठा लेते हैं, और इसको जाके हम उधर पे फार्नेस पे दे देंगे। एक सेकंड यार, चलो यार ये वाला फार्नेस खाली हो चुका है, इसमें ही दे देते। तो अभी इधर पे पकता रहे, इधर पे तो ऑटोमेटिक फार्म है अपना, तो इसको पकते रहे। ये थोड़ा छोटा सा फार्म हो गया था बैम्बू फार्म, जिसका अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है, सीरियसली बताओ तो बहुत कम बैम्बू दे रहा है। इसके बाद मैं बहुत बड़ा जायंट बना दूंगी इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये
कुछ खास नहीं है, सीरियसली बहुत कम कम बैम्बू देता है, इससे आप लोगों का कुछ खास पल्ले नहीं पड़ने वाला है, आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा उतना ज़्यादा। तो मैं बाद में जब बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी उसको भी। अभी फिलहाल के लिए ये जगह को मैंने 9x9 में किया और उसके बाद देखो अंदर में पूरा डर्ट से भरने वाली हूँ। ऑल राइट, अभी काफ़ी रात भी हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कतें हो जाती है रात में, काम करना बहुत दिक्कतें होती है, जैसे कि देख ही पा रहे हो बनी इधर पे ज़ॉम्बी से मार गया है। तो मैं बिल्कुल भी इधर पे बैठने करने वाली हूँ, मैं देखूंगी कि पीछे से आके मेरे को मार दे। वैसे मैंने इधर पे चारों ओर से घेर तो दिया है, फिर भी इधर पे एंटरमेंट वगैरह वगैरह आ जाता है ना, तो मैं इधर पे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहती हूँ, आ जाती हूँ घर पर फटाफट से, चलो सो जाते हैं। जैसे सुबह हो गया ना, सुबह होते ही हम लोग इधर पे आ जाते हैं, भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। उधर पर मैंने बनने के लिए दे तो दिया, बट इधर पर कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इधर पर डिज़ाइन बनाऊंगी। एक्चुअली ये डिज़ाइन के लिए है, ये जो बाहर पे मैंने स्पार्स वुड का जो भी डिज़ाइन कर रही हूँ ना, ये सारी डिज़ाइन के लिए है, बाकी अंदर जो कर रही हूँ वो मेन है, ठीक है ना। 9x9 में मैंने कन्वर्ट किया, मतलब इसको दिया, ठीक है। और इसके अंदर भी देखो कुछ और ही पोर्शन में मुझे डार्ट वगैरह भरना है। और इधर पे एक सेकंड रुकना ज़रा, मेरे को चाहिए इधर पे एक बोट, ठीक है ना। तो अभी रुकना ज़रा, क्योंकि मेरे को चाहिए ज़ॉम्बीज, तो उससे पहले मेरे को चाहिए एक हो, तो मैंने हो बना लिया। तो अभी देखो इस हो को देखे मैं सारे जितने भी जगह है ना इसको हम तोड़ देने वाले, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसे ही पता है, बाकी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि कैसे बनता है, ठीक है ना। तो अभी ऐसे हो को मैंने चला तो दिया, अभी आई होप कि इधर पे और फिर से डार्ट नहीं बनेगा। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बताना मुझे कमेंट में कि हो को चलाने के बाद क्या फिर। अरे यार इधर तो डार्ट फिर से आ जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई यार। इधर पे तो हो चलाने से तो डार्ट को फिर से वापस नहीं आना चाहिए था, बट इधर पे डार्ट फिर से वापस आ जा रही है, ये सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो चलो यार इधर पे पहले ना मैं बना लेती हूँ अभी बोट को, ठीक है ना। अभी बोट बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा ये सारे बस वुड ब्लॉक चाहिए, बस और कुछ नहीं है ना। तो उसको प्लैंक बना लेंगे, वैसे ही बन जाएगी, तो ठीक है चलो बना तो लिया अभी इधर पे। अभी इस भाई साहब को मैं इधर पे ना ऐसे डबल क्लिक करके बुला रही थी, बट इधर पे लग जाती है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर भाजन गोलम भी यार, मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि भाई इसको पता चले कि भाई मैंने इसको मारा तो भाई पीछे पड़ जाएगा। तो मैंने इधर पे बोट तो दे दिया, अभी आई होप कि ये चढ़ जाए, बाबू प्लीज चढ़ जाओ। चलो चढ़ गया यार, तो चलो यार अभी इसको मैं आई भाई इसको चलाते कैसे मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता। अभी आई थिंक राइट लिफ्ट भाई घूमे जा रहा है गोल गोल करके, मेरे को तो ठीक से चलाना भी नहीं आ रहा। तो मैंने कन्विंस किया बनी को, प्लीज बनी प्लीज इधर पे तुम चला लो, बट ये तो देखो गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, इसको भी नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला प्लीज तुम करो, मैं तुमको मदद करूंगी थोड़ा बहुत आगे आगे तुम्हें आने के लिए। तो ये कन्विंस हो जाता है मेरे बातों पे और ये आ भी जाता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने बोला तुम वेट करो, मैं काम करती हूँ, फटाफट से इधर पे एक बकेट बना लेती हूँ, फिर मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्योंकि ऊपर के चढ़ने के टाइम तो चढ़ेगा नहीं, तो कैसे चढ़ेंगे, है ना। तो चलो इधर पे पानी तो देखो इधर पे ही मिल गई गाँव पे ही, तो मैंने फटाफट से इधर से बकेट पे पानी वगैरह उठा लिया। अभी चलो बड़ा से चलते हैं, ठीक है। अभी किधर गया यार, इधर पे ही तो था। तो अभी देखो काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी, ये करते करते आगे तक तो आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि पहली बार तो चलाना नहीं आ रहा था हम दोनों को ही सही से, और कुछ भी करके फिर हम लोगों ने चलाना सीखा। और देखो ऐसे पानी देखे देखे हम इधर पर उठा रहे थे इसको, ठीक है। तो कुछ भी करके मतलब दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा था कि जाएंगे तो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जो घर बनाया वो पहली बार हिल के ऊपर है। अगर आप लोगों को किसी को भी पता है कि कुछ भी करके मतलब क्या हम लोग पॉकेट वगैरह में या फिर सब वगैरह पे कोई विलेजर्स को ला सकते, तो मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क मैन, क्योंकि इधर पे इतना कष्ट करके करके अगर इतना दूर तक लेना पड़ गया भाई, तो समझ रहे हो ना विलेजर का विलेज इतना दूर में भागी, ये भाग कैसे गया भाई, भाग गया यार। अरे यार बोट लाओ कोई, यार रुको जा भाई। तो कुछ भी करके देखो, पहली बार तो वो भाग जाता है, सेकंड टाइम हम लोगों ने उसको फिर से एक बार इधर पे स्टक किया, बट इधर पे मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर से डाल दे तो एकदम ऊपर तक ये पहाड़ी पे आ जाएगा, बट नहीं यार ज़्यादा इधर पे कुड़िया बंदी के चक्कर में इधर पे ये विलेजर फिर से भाग जाता है, और फिर से एक बार दोबारा से इसके पीछे हम लोगों को भागना पड़ता है। फिर जाके हम लोगों ने फिर से एक बार इसको इधर पर पकड़ा, और आते आते इस बार काफ़ी रात हो चुकी थी, और मैंने जैसे कि रेल लाइन बनती है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे करके डार्ट को लगाते जाए वैसे वैसे किया। बट उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना रेल लाइन को बना दे और रेलवे ट्रैक से हम लोग इसको लेके आए, बट बाद में पता चलता है मतलब रेडस्टोन के वगैरह तो लगेगी ना, उसके सिवा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली बात आयरन रेल भी बहुत ज़्यादा लगेगी, उसके लिए आयरन भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं पीछे वाला अपना जो घर के नीचे जो गुफा है उसके नीचे एक बार आ जाते फिर से दोबारा से, क्योंकि इधर से ही हम लोगों को मिला था काफ़ी सारा रेडस्टोन। बट इस बार आ तो जाते हैं, बट उतना नीचे नहीं गए थे, बट बहुत नीचे ही आए थे, और उसके बाद हम लोग को काफ़ी सारा आयरन भी मिल जाते,
उससे हम लोगों ने सोचा बहुत सारे रेलवे ट्रैक वगैरह बनाएंगे, बट दैट इज़ नॉट इवन सफिशियंट यू नो। और सच बता तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, हमें बता नहीं सकते। और देखो एक लैपिस का ये भी मिल चुका है, बताओ मुझे लैपिस भी किस चीज़ के लिए लगती है, वो भी नहीं पता मेरे को। तो अभी इधर पे देखो कितना नीचे आ चुके थे हम लोग, अभी चलो यार ऊपर चलो जल्दी जल्दी। तो अभी इधर से हम लोग ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं, अभी इधर पे जाने के बाद हम लोग घर भी चले जाते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक भी बना लेते हैं। और उसके बाद मेरे को समझ आता है भाई, मिडिल में इधर पे रेलवे ट्रैक के मिडिल में रेड स्टोन से बना हुआ जो रेल ट्रैक होता है वो भी देना नहीं, आई मीन पावर रेल देना पता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग इधर से कोई भी विलेजर्स को लेके जा पाओ। तो भाई हटाओ यार, कोई दूसरा उपाय लगाएंगे, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इधर पे हम लोग इससे एक बार आ जाते हैं, बट इस बार हम लोग दूसरे गाँव पर आ जाते हैं, क्योंकि उस गाँव पर हम लोगों ने इतना छेड़खानी किया था ना, जब से हम लोग खेल रहे हैं उस दिन से हम लोगों ने उधर पर गाँव वालों को पीटा, उधर पर गाँव वालों को मार दिया, बेट चुड़ाया, उन लोगों को खाना चुड़ाया, उन लोगों का घर बुर तोड़ा, जोम्बिस से फाइट, एवरीथिंग किया भाई, क्या कुछ नहीं किया, जिस कारण उधर का गांव पूरा खराब हो चुका था। तो अब क्या ही करते हैं ना, उस पे तो हम लोग जा नहीं सकते। तो अभी देखो इधर पे हम लोग तो फिर से एक बार आ चुके हैं, और जो देख पा रही हूँ कि इधर पे दोनों में कुछ लव शव चल रही है आई थिंक, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल एकदम भी मेरे को नहीं लग रहा है कि राजी होने वाला है हम लोगों के साथ आने के लिए, और दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। और हम बस इधर पर वेट कर रहे थे कि ये लोग कब अलग हो, और मैं जाके इसको इधर पर बोट पर चढ़ा लूँगी, जैसे ही अलग होते मैं फटाफट से जाके इधर पर बोट पर तो चढ़ा लेती हूँ। अभी इधर पर मैंने लैश को यूज़ किया, और ये लैश पता है आप लोगों को कहाँ से मिला, वो घोड़े वाला आता है ना, घोड़े लेके आता है, याद है ना आप लोगों को, उस घोड़े वाले को मैंने पीटा था, पीट के मार डाला था उसके घोड़े के साथ, कैक्टस फार्म बनाने के टाइम बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने सच बताया तो इस गेम को पूरा मतलब इतना भसर मचाया हुआ है ना, मैंने क्या ही बताऊँ। अभी ये लोग बस मेरे लिए काम करने के लिए अगर एग्री हो जाए वही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत पीटा है यार इधर के लोगों को। तो अभी देखो एक गाँव को तो पूरा खराब किया, अभी बाद में ना जाके उन लोगों को गाँव को हम लोग सजा देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी किया अभी उसके लिए तो अगर वो लोग फॉरगिव कर दे वो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक कि फॉरगिव करने वाला है। बाकी इधर पे बनी ने इधर पे इन लोगों को खींच खींच के इतना दूर तक तो लेके आया, बट इधर पे लैशेस टूट जाता है। तो अभी फिर से एक बार लैश लगाएगा वो, और ये लैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास कोई लैशेज वगैरह था ही नहीं, मैंने बनाई नहीं, मैंने तो चोरी किया इधर पर। और इधर भी देखो इधर पर मैं इतना तक आ चुकी हूँ, अभी देखो इधर पर बनी ने सीरी बना दिया, और मैं फटाफट से देखो सीरी अगर एक बार बन जाता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाकी इधर ये तोड़ दो यार, तो रुको यार इसको तोड़ दो यार। तो देखो इसने बनी ने पूरा एकदम सीरी बना दिया, और जैसे ही हम सीरी बनाते हैं ना कोई दिक्कत ही नहीं होती, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे ये लोग भी उठते जा रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम फटाफट से ऊपर की तरफ आ गया। ये बहुत काम का चीज बना, कुछ भी बोलो यार, सीरी बनाओ और इसको खींच के लेके आओ, बट एक जगह प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो ये जो सामने पर आ जाते हैं ना उसके बाद ये चढ़ेगा नहीं, ठीक है, लास्ट ब्लॉक पे। तो क्या करेंगे, पानी देंगे और उठा लेंगे, और क्या, बहुत इजी बीजी। सच बताए तो कुछ भी पीजी नहीं है, बहुत कष्ट करके इतना तक तो लेके आ गया, और घर बहुत दूर है हम लोग का, लास्ट में भी पानी देके हम लोग इसको उठा लेते हैं, ठीक है। अभी देखो घर पे लेके जाएंगे, एक सेकंड रुकना जरा, अभी देखो घर पे इतना तक तो लेके आ चुके हैं। अभी बनी को बोलते हैं देखो इधर पे घुसा दो, तो बनी इसको लेके आ गया, पहली बार के लिए मैंने घर पे विलेजर्स लाया। अभी इन लोगों के लिए कुछ तो अच्छा करना बनता है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो मोमबत्ती लगा देते इधर पे भाई, मशाल जला के आ जाओ इधर पे, घर में लक्ष्मी आ चुकी है, चलो आ जाओ दोनों मेरे लिए बस काम कर दो। मैंने बहुत पीटा आप लोगों को, मेरे को पता है, वैसे दूसरे गांव को बंदों को ज़्यादा पीटा, इन लोगों को उठाने टाइम थोड़ा बहुत एक दो झापड़ लग गया था, आई होप कि ये लोग मेरे ऊपर नाराज ना रहे बस। तो इन लोगों के लिए ना छोटा सा एक बेस बना देते फटाफट से चारों से घेर के, क्योंकि रात को जॉम्बिस आएगा तो दिक्कतें हो जाएगी पहली बात, है ना। तो जॉम्बिस आ जाए ये सब को मार दे, इतना कष्ट करके लाया हूँ ना, इतना घंटा लगा है ना भाई, बोल नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं ब्रीड ब्रीड करा के ना इन लोगों का थोड़ा सा मतलब थोड़ा विलेजर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, बट आज के लिए तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आगे करेंगे। बट अभी चलो फटाफट से इन लोगों को एक घर दे देते पहले। तो अभी देखो इधर पे चारों ओर से मैंने तो इधर पे घेर दिया, अभी इधर पे पूरा बन के रेडी भी हो चुकी है। अभी ऊपर में बिल्कुल भी हम लोगों ने खाली नहीं रखा, अंदर में एक टॉर्च को इधर पर लगा दिया, देख ही पा रहे हो, और इधर पर चारों ओर से हम लोग इसको घेर देंगे, क्योंकि दरवाज़ा लगाएंगे तो ये लोग भाग जाएगा। तो फटाफट से इस जगह को मतलब ब्लॉक कर देना है बस। तो चलो अभी इन लोगों को हम लोगों ने कैद कर दिया, अभी और एक विलेजर मुझे को चाहिए, मतलब दो से नहीं बनेगा काम, ठीक है ना। अभी बहुत सारा विलेजर्स चाहिए, अभी फिलहाल के लिए मतलब दो ही लग के आए थे हम लोग, और लास्टली देखो और एक विलेजर्स को लेके आ चुके, ठीक है ना। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, और वो दोनों भी काम करता है या फिर नहीं, क्योंकि एक के तो माथे में हैट पहना हुआ था तो वो तो काम कर लेगा मेरे को जो लग रहा है, बट ये दोनों काम करेगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो यार फाइनली सीरी से उठाना इन लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट सीरी बनाओ और उठा लो भाई, चढ़ा लो। अगर आप लोगों ने भी मेरे तरह हिल में
अगर बनाएगा तो आप लोगों को भी ऐसा बनाना पड़ेगा। बट पता नहीं ये चढ़ क्यों नहीं रहा था, तो मैंने बोला बनी को तुम बैठ जाओ, मैं उठा देती हूँ ना, इधर पे पानी देंगे तुम दोनों इधर पे चढ़ के उठ जाओगे। तो बनी आ जाता है सामने और ऐसे ही पानी देते और वैसे ही ये लोग, अरे यार रुको एक सेकंड, चलो रेडी हो ना अभी दे, चलो आ जाओ चलो। तो ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी इसको उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, दिक्कत एकदम नहीं होने वाला है। तो अभी देखो इधर पे मैं, भाई हंसी आ रही है सीरियसली, ये दोनों जैसे आ रहा है ना, भाई एक सेकंड रुकना ज़रा, इन लोगों को घुसा देते पहले। ये लोग देखो जा रहा है कितना सुंदर करके। तो अभी देखो इधर पे तीन तीन विलेजर्स अपने पास हो गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी ला सकते हो विलेजर्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। अगर ईजिएस्ट वे है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलो इधर से हम लोग निकलते हैं, ठीक है। पहली बात तो इन दोनों को डरने देते हैं, आ जाओ यार जल्दी आ जाओ, बंद कर दो इधर पे। या कुड़िया भी है यार ये, कभी कभी काम इतना अच्छा करता है ना, कभी कभी काम करेगा ही नहीं। चलो यार, तो अब ये काम करती हूँ, इधर भी जितना भी सारा डर्ट का खाली पोर्शन था उधर मैंने सारे को कर दिया। और बनी इधर से भाग गया है सीरियसली, क्योंकि उसका और करना नहीं था कुछ भी काम, उसने बोला टायर्ड है तो चला गया। तो बाकी का काम इधर से मैं खुद अकेले ही करने वाली हूँ। तो इधर भी देखो मैंने फार्म बना जो रही हूँ ना, उसका चारों उससे मैंने इधर से घेर लिया। अभी काफ़ी रात भी हो चुकी थी, अभी और एक इधर पर स्लैब को बढ़ाना पड़ेगा। उससे पहले मैंने सोचा विलेजर्स को ला दे, ठीक है ना। उससे पहले भी मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, वो ये सारे जगह को मैं इधर से ये कर देने वाली हूँ, वो उसे खेत देने वाली हूँ। बट उससे पहले मैंने इधर पे मिडिल वाला जो ब्लॉक है उसको हटाया, उसको हटाने के बाद उसमें पानी दे दिया। उसके बाद जितने भी सारे हैं ना, मतलब देखो 9x9 है, तो पूरा एकदम मिडिल में जो ब्लॉक होगा उसको ही मैंने तोड़ा। उसको तोड़ने के बाद उसमें पानी दे दिया। अभी इधर पर जितने भी सारे जगह है, बाकी तू इधर क्या करें, भाग जा। तो अभी देखो इधर पे जितना भी सारे जगह है उधर पे मैं इधर पे हो से पूरा खोद देने वाली हूँ। जैसे ही खोद देंगे बस ऐसे ही हो जाएंगे, फिर से आ गया तू चुड़ैल। तो अभी देखो इधर पे सारी चीज़ें हो गया, अभी आई होप कि इधर पे डार्ट वे से वापस ना आ जाए बस। तो अभी इधर पे मेरे को एक रास्ता बनाना है, ठीक है, उसके बाद मेरे को उधर से निकलना है। उससे पहले मेरे पास देखो कुछ 37 जैसे वेट सीड्स था, क्योंकि हम लोग घूमते रहते थे तो थोड़ा बहुत मुझे सीड्स उधर से फ्री में मिल चुकी थी, तो वही लेके मैं आ चुकी हूँ। अभी इधर से एक लैडर टाइप का बना भी दिया, मतलब एक स्ट्रेट टाइप का, सॉरी। और इधर पे देखो मैंने फटाफट से जितने भी सारा वीट सीड था उसको मैं इधर पे बोन देती हूँ, ठीक है ना, फटाफट एकदम। उसके बाद मैं जाऊँगी और एक विलेजर्स को लेके आऊँगी, ठीक है ना। तो उन तीनों को तो उधर पे मैंने स्ट्रक करके रखा हुआ ही है, आप लोगों ने देखा है। तो अभी देखो इतना में ही देखो सारे कम्प्लीट हो जाते हैं और मेरे पास और कुछ भी बचा नहीं है। तो चलो अभी इधर पे जाते हैं और इधर पे खोद के हम लोग निकाल लेते हैं एक विलेजर को, ठीक है। तो अभी ये जो अकेला वाला को लेके आए थे ना मैं, बाद में उसको ही लेके जाते हैं, तो इधर पे अटक देते हैं। चलो अभी इसको लेके जाते हैं, जैसे लास्ट से मैंने खींच खींच के इधर तक लाका, सॉरी यार, लेके आया। और उसके बाद मैंने इसका बोर्ड भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद अभी इधर को, ये भाई उधर नहीं जाने का तेरे को, इधर जाने का, चलो अंदर चलो बाबू, चलो अंदर अंदर अंदर। इसे क्यों दिख रहा है भाई, कितना अजीब दिखता है, चलो यार अंदर चलो। तो अभी इसको ऐसे ही धकेल धकेल के मैं तो अंदर तक लेके आ चुकी हूँ, आई होप कि ये नाराज ना हो जाए मेरे ऊपर। तो अभी रुको यार, बहुत अंधेरा हो रहा है, तो मैंने इधर पे एक टॉर्च लगा देती हूँ। अभी चलो ना यार अंदर चलो, आपके लिए काम पड़ा। ओए हेलो, बाहर बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर 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 अंदर। ब्रो ब्रो आई एम सॉरी ब्रो ब्रो, कुछ नहीं बोलेंगे, एक झापड़ देंगे ना, टकला फोड़ देंगे। अभी रुको एक सेकेंड, इधर पर ना मैं चारों ओर से इसको घेर देती हूँ, ठीक है ना। इधर पर जितने भी सारे खाली खाली जगह था सारों को मैंने इधर से घेर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टकला, इधर पर बहुत ज़्यादा शाना बन रहा है, सीरियस बता रही हो। अभी देखो इधर पर लास्ट दो ब्लॉक बचा हुआ है बस, ये देखो ये देखो 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 देखा भाई, शाना बनता है, शाना पट्टी करेगा। तुम इधर पे मेरे साथ हाँ मारूंगी ना इधर पे, और एक जहाँ पर इधर पे तुम्हारा कोई दोस्त भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। अभी देखो पानी को हटाने के बाद इधर पे मैंने एक स्लैब को लगा दिया, उसके बाद देखो पानी को ऐसे देती हूँ, तो देखो पानी अंदर ही है, ठीक है ना। जैसे उठा रही हूँ वैसे ही मेरे बाकेट में फिर से पानी वापस आ जा रहा है। उसके ऊपर मैंने कंपोस्टर को लगा दिया और उसके ऊपर लगा दिया ग्लोस्टोन को, ठीक है। तो चलो सारी चीज़ें मैंने इधर पर कंप्लीट कर दिया, एकदम अच्छे से कर दिया। इधर पर आप लोग टॉर्च भी लगा सकते हो अगर ग्लोस्टोन वगैरह नहीं है तो, और चारों ओर से आप लोग टॉर्च लगा सकते हो जो मर्जी करो, ठीक है। बट आप लोग को लगाना पड़ेगा टॉर्च वगैरह, ठीक है ना। तो अभी देखो इधर पे मैंने कंपोस्टर दिया इसको, इस भाई साहब को, बट ये मेरे को काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, ठीक है मेरे लिए। और फिर से मैंने सोचा इसको हटाते, फिर से एक बार कंपोस्टर को लगाते क्योंकि ग्लिच वगैरह हुआ होगा। तो मैंने ओ सॉरी सॉरी ब्रो सॉरी सॉरी अंकल अंकल सॉरी। अभी रुको इधर पे मैंने फिर से एक बार दिया, बट फिर भी ही इज़ नॉट इवन रेडी टू वर्क फॉर मी। भाई गुस्सा क्यों हो रहा है बे,
अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो अभी देखो, इसको मैंने फिर से एक बार कंपोस्टर दिया तो देखो देखो ग्रीन ग्रीन हो रहा है, तो मुझे लगा भाई होगा इस बार, बट नो, फिर से गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घंटा समझ में नहीं आ रहा इधर पे एक्चुअली मैं हो क्या रही है। ठीक है, तो अभी देखो फिलहाल के लिए मैं एक काम करती हूँ। क्या करूँ यार, अगर मैं इसको बैठ दूंगी क्या ये रेडी होगा? क्या रेडी होगा मेरे लिए, काम करेगा? बट ये कहाँ, वो ये भगवान, ये किधर निकल गया यार? ओ शिट यार, मैंने उधर पे कंपोस्टर को हटाया नहीं था तो ये भाग गया। वो देखो उधर खड़ा है बारिश में भीग के, ये अपना गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। चल अभी देखो इसको तो मैंने पकड़ लिया यार। इधर पे अगर मेरा इधर पे पूरा वॉल नहीं बना हुआ रहता और इधर पे अगर डोर वगैरह रहता है तो खोल के चला जाता, मतलब मैं इधर पे खाली मिली हुई मैं फंस जाती। तो इधर पे जैसे ही मैं बेड लगाती हूँ देखो वैसे ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, मतलब ये खुश है मेरे से, खुश है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी इधर पे आके यह सो भी जाता है, अच्छी बात है कि सो जाओ बाबू। तो अभी इधर पे यह सो भी जाता है, तो मैं एक काम करती हूँ सुबह। हेलो, मर गया क्या, लाश बन गया क्या, ये नीचे क्या कर रहा है, ये पड़ा पड़ा यार, शिट यार, इसको क्या हो गया भाई, ये नीचे क्यों सो रहा है यार, कौन सा ग्लिच है? अभी देखो फिर से उठ गया, बट इसको मैंने इधर पे कंपोस्टर के पास लेके तो आती, बट ये बहुत ज्यादा गुस्सा है यार मेरे ऊपर, काम करने के लिए मांग ही नहीं रहा है, ऊपर से इतना गुस्सा दिखाया जा रहा है। तो मैंने सोचा भाई हटाते हैं यार, इसके लिए कुछ सीड्स वगैरह लेके आते हैं। मैंने इसको मारा तो शायद ये इसके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं इधर पे बहुत सारा फार्मिंग वगैरह करती। तेरे लिए कुछ नहीं लाया, भाग गया ऐसे मुर्गा। तो अभी इधर से मैंने बहुत सारा ऐसे लॉन्ग ग्रासेस को तोड़ा, तोड़ने के बाद बहुत सारा मैंने इधर से सीड्स लेके आया, कोई 14-14 जैसे मैंने इधर सीड्स लेकर आया। फिर जाके मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा सीड्स देंगे इसको, थोड़ा सा मैं ललचाएंगे फिर जाके ये मेरे ऊपर बहुत खुश हो जाएगा, फिर मेरे लिए काम करेगा। बट इधर पे मैंने 2 सीड्स दिया, बट ये अभी भी गुस्सा है मेरे ऊपर, लग रहा है मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत और सीड्स दे दे, ठीक है ना। तो इधर पर मैंने सोचा एक एक करके दे दे, तो चलो इसने फिर से खा लिया, तो आई होप कि इस बार मेरे ऊपर खुश हो जाए, बट अभी भी नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत सारा दे दिया, देख ही पा रहे हो अभी 7 जैसे बचा हुआ है, बट आई होप कि ये अभी राजी हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने इसको कंपोस्टर तो दे दिया, अभी देखो खुश भी हो रहा है, बट वेट कर लेते हाँ एक। ओ भाई नहीं हुआ यार, ये गुस्सा क्यों है मेरे को कोई बताओ यार, ये काम करने के लिए नहीं मांग रहा है, ये बस गुस्सा ही दिखाया जा रहा है तब से यार, कुछ नहीं करना चाहते। तो मैंने सोचा भाई सीड्स को क्यों खराब करे, इतना कष्ट करके लेके आया। तो मैंने उधर पे सीड्स को बो दिया, और इधर पे मैंने सोचा इधर पे और 2 विलेजर है तो उनमें से मेरे को एक को लेके जाना है। तो दोनों बोट पे मैंने इसको चरा देती हूँ, दोनों को अलग अलग, और एक को इधर से लेके मैं बाहर जाने वाली हूँ, ठीक है ना। रुको 1 सेकंड, इसको निकालना थोड़ा सा टफ है, बट अभी मेरे को थोड़ा बहुत चलाना आ चुका है, ठीक है। तो अभी कुछ भी करके मैं इसको इस विलेजर को लेके आती हूँ, बट इस विलेजर के पास वर्क था जब इसको मैंने विलेजर से विलेज से उठाया था। तो मैंने इसको जैसे कंपोस्टर देती हूँ, इसका ग्रीन ग्रीन तो स्टार्ट हो जाता है, बट मुझे घंटा समझ में नहीं आता है कि इसने मेरे लिए काम कर रहा है या फिर क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने इधर से क्या किया, इसका कंपोस्टर को ना हटा दिया, ठीक है। और जैसे ही हटा दी तो इसका टोपी निकल जाता है, तो मेरे को समझ आता है भाई ये रेडी हो गया था मेरे लिए काम करने के लिए, मैंने गलती कर दिया। तो मैंने इसके लिए बेड बिछा देती हूँ, अब ये खुश हो जाता है काफी ज्यादा मेरे ऊपर, तो अभी आई थिंक कुछ दिक्कतें नहीं होगा। तो अभी ये खुश हो गया, जाके ये सो भी जाता है, देखो दिन हो रहा है फिर भी जाके सो जाता है, क्योंकि ये टायर्ड भी था काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 दिन से शायद मैंने इसको लेके रखा हुआ है, बट इसको सोने वोने नहीं दिया था, खाना पीना नहीं दिया था। अभी इधर भी मैंने कंपोस्टर को गलती से ऊपर लगा दिया, बट इसने वर्क ले लिया। अभी रुको इसको हटा देते, ठीक है ना, 1 सेकेंड रुकना ज़रा, इसको फटाफट से हटा देते, नीचे लगाना। ओह हो भाई 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 भाई, गुस्सा हो गया ये, 1 सेकेंड ब्रो, ओह मेरे से गलती कैसे, रुको यार इसको हटने देंगे फिर ही हटाएंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। बाद में पता चला ये भी काम नहीं ले रहा है, जैसे ये ग्रीन वाला भी नहीं ले रहा है, पता नहीं इसका क्या दिक्कत है, लग रहा है कि ये कान के नीचे लगा दूँ यार। अभी रुको नीचे लगा देते, अभी चल यार प्लीज़ ले ले, ओके भाई फाइनली इसने काम ले लिया, अभी ये मेरे लिए काम भी करेगा, बहुत अच्छी बात है, इसको काम करने देते हैं। और बाकी वो वाला क्यों नहीं करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ, होप यू गाइस आर वेल, एंजॉय माय वीडियो। अगर आज की थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए से गेम प्ले की वीडियो को लेके, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।